क्या नाम है आपका? नंदकिशोर शर्मा, ग्राम पंचायत डोरा गोटिया। तो कौन से पद पर लड़ रहे हैं चुनाव? प्रधान के पद पे उम्मीदवार। कौन? नंदकिशोर शर्मा। नहीं, पद पे कौन है? प्रधान पद है। किसका है? महिला का है, महिला का है। विमला क्या? देवी। विमला देवी जी आज हमने आपके गांव में सर्वे किया था, डोरा गोटिया कुसुम नगर में। वहाँ पे जनता ने कुछ समस्याएं बताई हैं, बाकी माहौल आपकी तरफ बता रहे हैं। जी देखो, जो तो ये तो जनता के ऊपर है, जनता किसको मानती है, किसको चुनती है, जनता का अधिकार है वोट देने का। बाकी कार्य का करवाने का मतलब जो है अधिकार हमारा है, कार्य कराएंगे। और मेरे प्रधान बनने के बाद में जितना कार्य छूटा हुआ है, कार्यकाल में पिछले जो हुआ है उसके बाद में जो छूट गया है, तो वो कार्य पूरा कराएंगे और जनता मेरा साथ देगी। और उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि मेरा जनता साथ दे रही है और जनता साथ देगी। जैसे कि हमारी डोरा है, गोंडिया है, कुशनगर है, वैष्णोगुंज है, सुपर सिटी है, ये सारे लोगों में मैंने जनसंपर्क किया आज तक, और एक नहीं दो दो तीन तीन बार किया है। और सारे लोग यही कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और आपको जो है वोट देंगे। माहौल आपकी ही तरफ बन रहा है, जनता से मैंने बात बात करी थी तो जनता आप ही की तरफ इशारा कर रही है। देखिए सर, ये तो अच्छी बात है, अगर जनता मेरे को मतलब चाह रही है उसी हिसाब से मैं खड़ा भी हुआ जनता के कहने से ही, और संपर्क साध के ही मैंने इस चीज़ पे चुना था कि प्रधान पद पे मैं लड़ूंगा। तो अगर जनता चाहती है तो मैं अच्छे काम कराऊंगा, और जो भी प्रक्रियाएं जितनी छूटी हुई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का गेट है, वैष्णो कुंज है, ये जितने भी इधर गलियाँ हैं, कुसुम नगर का रोड है, महेंद्र नगर में नाली नहीं है, रोड है उसका बड़ा एक नाला निकलेगा। जीतने बाद सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिए सर, स्कूल है, धर्मशाला है, कर्मशाला है, और बाकी रोड है, सबसे ज़्यादा वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सारी पेंशनें जो हैं, और बाकी बच्चों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ये संपर्क किया तो कुछ लोगों वोट भी नहीं है। ये हम जगह जगह कैंप लगाएंगे और जगह जगह कैंप लगा के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वैसे भी मैं जनता के बीच में ही रहता हूं और जनता के भलाई करता हूं। जब भी कोई रात में 2 बजे भी फ़ोन करता है तो 2 बजे जाके मैं उनकी सुनता हूं, समस्याओं का समाधान करता हूं। ठीक है, तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील मैं यही करना चाहूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वोट देके और विजयी बनाए। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह चारपाई है और ग्राम पंचायत डोरा। मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से कि मेरे को बहुमूल्य अपना वोट देकर विजयी बनाइए, और बाकी जितनी समस्याएं हैं मैं समस्याएं रात हो दिन हो 24 घंटा तत्पर तैयार रहूंगा। ठीक। मैं आपका कहाँ रहते हैं आप? कुसुम नगर। अच्छा जी, जो प्रधानी का चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसका क्या माहौल है इस समय? यहाँ लहर अच्छी चल रही है, काम के प्रति काफ़ी कुछ है। अभी जो पूर्व प्रधान रहे हैं हमारे यहाँ बीच में, उन्होंने इसका हमारा जो रोड का मसला था उसको भी चल रहा था। अभी इसी चीज़ को लेकर के नंदू भी और प्रधानी में खड़े हुए हैं हमारे, नंदू शर्मा जी, उनसे भी बातचीत की है और भी लोग हैं कैंडिडेट हैं, उन्होंने इसका आश्वासन करते हुए प्रत्येक है और काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रधानी पद में नंदू भाई जी आएंगे। अच्छा, जैसे मौजूदा प्रधान कौन थे? मौजूदा प्रधान हमारे गोटिया से थे, नवीन जी। अच्छा, तो उन्होंने गांव में कोई विकास विकास कराया या किसी के लिए सहयोग किया? उन्होंने अपने प्रति जो कार्य करने का था उनके प्रति किया भी, उन्होंने गोटिया के अंदर काफी विकास किए, मगर जो मेन हमारे रोड का मसला जो था यूनिवर्सिटी से, ये रोड निष्कासित होना था, इसका सोल्यूशन होना था, गेट जो खुलना था यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये हमारा मेन डोरा कुसुम नगर का जो रोड है इसका भी मेन मसला था, मगर इसका भी कोई समाधान नहीं हो पाया है, कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, तो वो मेन रास्ता था जो खुली नहीं अभी तक? जो अभी तक खुली नहीं है, और मंदिर का आप देख रहे हैं, अगर वीडियो दिखाना चाहेंगे तो मंदिर का और रोड का नक्शा आप दिखा सकते हैं। जी जी, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा मेन प्रोसेस था। अच्छा अच्छा, तो ये मुद्दे हैं, मतलब है, ये मेन मुद्दे हैं, हम मेन मुद्दे हैं। तो भाई रोड नाली का विकास जो हमें चाहिए, पानी के निकलने का साधन नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ का पानी जितना भी है, पूरे गोटिया का पानी जो इधर पास में नहीं था उसके बावजूद भी ये पानी सारा यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, अगर यूनिवर्सिटी बंद कर देती है इस पानी को तो यहाँ पर एक कीचड़ की दलदल बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इस क्षेत्र से कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव? इस क्षेत्र से कैंडिडेट की संख्या तो काफ़ी है, मगर उम्मीदी चुनिंदा जो लोग हैं उनमें एक ही दो लोग हैं, जिनमें से एक नंदू शर्मा जी हमारे जो मेन भाई जी, हैं जी। उनका हमें काफ़ी उम्मीद है, और इनका चुनाव चिन्ह जो है वो चारपाई है। तो जीतने के जैसे जीत जाते हैं तो क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं?
उनसे इन्हीं मेन मुद्दों पे उम्मीद रहेगी हमारी, नाली का और जो रोड का मेन मुद्दा है निकास रहेगा, यूनिवर्सिटी का गेट है जो ये इस पर डिस्कस किया गया है, तो इसका मेन प्रोसीजर यही है कि वो मेन मुद्दा भी हमारा यही है। ठीक, क्या नाम है आपका? संजय चंद्रा। तो क्या कार्यक्रम है आज, क्या कहाँ पे आए हुए हैं आप? आज हम ग्राम घोटिया में आए हुए हैं। ये हमारे पुराने मित्र नंद किशोर शर्मा जी प्रधानी के पद पर खड़े हुए हैं। ये समाज सेवा काफ़ी पहले से करते आए हैं और करते हैं, तो मोहल्ले की सौजन्य से इनको खड़ा किया गया इनकी समाज सेवा देख के, और ये तन मन धन से काम करते हैं जनता के साथ। तो हमने भी इनके साथ में भ्रमण किया तो हमें ये पता लगा कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये भैया ने हमने इसलिए खड़ा किया है, ये रातों दिन एक फ़ोन पे हमारे साथ तन मन धन से खड़े हो जाते हैं काम करवाने के लिए। तो हमें भी भरोसा दिलाया मोहल्ले की जनता ने कि नंद किशोर शर्मा जी हमारे भाई जरूर जीतेंगे और हम इन्हीं को वोट देंगे। काफ़ी अच्छी लहर है मोहल्ले में, ये हमको कुछ सुनने में आया और देखा हमने। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें भी भरोसा है पूरा, जिस तरीके से ये बहुत पहले से समाज सेवा करते आए हैं और यहाँ की जनता को पूरा विश्वास है। विश्वास भी क्यों ना हो, आखिर जनता का काम किया है, सालों से करते आए ये। इसलिए मैं भी जनता से अपील करता हूँ, जिस तरीके से हमारे भाई ने तन मन धन से आपका सहयोग किया है सालों से, तो आप भी पूर्ण बहुमत से जिताएं और प्रधान बनाए रहें, जो आगे आपका नालियों का, रोड का, गलियों का, बिजली का, पानी का, आपकी जो भी समस्या होगी और तन मन धन से आगे बढ़कर ये कर सकें, आप इनके हाथों को मजबूत करिए, ये जनता से अपील करते हैं। ठीक, डोरा घोटिया से हैं आप, तो आज आपने क्या किया? आज वोट मांगने गए संडवा में, डोरा घोटिया में, कुसुम नगर में, महेंद्र नगर में, वैष्णो कुंज में, सनराज में, सभी में वोट मांगने गए। तो आज हमने गांव में सर्वे किया था, तो उसमें कुछ जनता ने आपके समर्थन में कहा है कि माहौल अच्छा है आपका। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बोलना है कि क्या करोगी जब जीत आओगी, तो उसके बाद में क्या करोगी? मैंने कहा कि करेंगे, रोड है, नाली है और पानी व्यवस्था है, स्कूल है, ये कराना है। अच्छा, जीतने के बाद ये सब कराएंगी आप? तो जो जनता की जो उम्मीद है वो आप उस पर खरी उतरेंगे। हाँ। कुछ अपील करना चाहेंगी जनता से, कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं कि कराएंगे सब। आपका? सुरेश मिश्रा। कहाँ रहते हो? डोरा गांव से। अच्छा, चुनाव जो हो रहे हैं प्रधानी के, तो इसमें अभी क्या माहौल है? माहौल तो है, वैसे तो प्रत्याशी अपना अपना दावा हर प्रत्याशी कर रहा है कि मेरा बहुमत चल रहा है, मेरा बहुमत चल रहा है, लेकिन मेन तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनमें से हमारे कैंडिडेट जो हैं नंदू शर्मा एंड कैडर जी, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है, इनका मेरी नज़र में विशेष जोर चलता दिखाई दे रहा है। तो प्राथमिकता जैसे गाँव में समस्याएँ क्या रही हैं वैसे आप? समस्याएँ तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशी चुनाव से पहले तो काफ़ी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में प्रत्याशी इन बातों पे गौर नहीं करते। तो आपको उम्मीद क्या है, जो नया आप बता रहे हैं नाम नंद किशोर शर्मा जी, उनसे क्या उम्मीद है? नंद किशोर शर्मा से हम काफ़ी अपेक्षाएं करते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा राजनीति में विशेष ध्यान रखते हैं और इस काम के लिए राजनीति ही ऐसा है जो विशेष माध्यमों से सहयोग लेकर के गाँव के विकास में योगदान दे। तो क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो बड़ी समस्या है वो है यहाँ से पानी की निकासी, और जब तक गौटिया में बड़े नाले का निर्माण होकर नदी तक पानी का निकास नहीं होगा, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, और इस पर कोई भी प्रत्याशी विशेष तौर से ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और इस बार हम अपेक्षा करते हैं नंदकिशोर जी से कि सबसे पहला काम जो कराएं वो पानी की निकासी के लिए बड़े नाले का प्रबंध करें। ठीक, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ये प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, ये
कौन सा मोहल्ला है, क्या है? पशुमारा कॉलोनी। अच्छा, तो यहाँ की कौन सी बलकती पंचायत? डोरा घोटिया। अच्छा, यहाँ पर जो प्रधानी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या माहौल चल रहा है इस समय, कैसा आपको लग रहा है कि कौन क्या आगे कौन जा रहा है? इसका माहौल देखते हैं कि नंदकिशोर शर्मा आगे हैं। नंदकिशोर शर्मा वो कैसे हैं, किस क्या चुनाव है? चुनाव है, उनके अंदर क्या खासियत जो जनता उनको आगे बढ़ा रही है? अच्छाई उनमें ये है कि किसी कोई मुसीबत हो या कोई हो तो मैं साथ देते हैं। अच्छा, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे कुसुमनगर में? 22 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो उनकी उम्मीद ज़्यादा है, माहौल उन्हीं के उसमें पक्ष में जा रहा है। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैम तो सोच रहा है जो भी आस पड़ोस के हो दो इन्हीं को दे बोल। अच्छा, भैया आपका? मैं आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो ये जो माहौल चल रहा है ये प्रधानी का, तो इसमें आप क्या क्या माहौल है और क्या उम्मीद आपकी है? जी जी, हमने खड़ा किया कि हमारे क्षेत्र में विकास दल नहीं हो पाया। जो भी पुराने प्रधान थे नवीन कुमार, तो उन्होंने सिर्फ डोरिया का ही गौठिया का ही विकास किया है। हमारा मेन चीज मकसद ये है कि हमारी कुसुमनगर रोड पड़नी चाहिए और नाला बनना चाहिए, और जो मंदिर का हमारा थोड़ा काम होना चाहिए। अच्छा, तो उनसे क्या उम्मीद है कि जीतने बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, जीतने बात वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है उनसे, और इसी बेस पे हम लोगों ने सभी क्षेत्र वालों ने उन्हें मिलकर खड़ा किया। आपका? मेरा बाबू। कहाँ रहते हैं? गौटिया। अच्छा, ये जो चुनाव चल रहा है प्रधानी का और कल आखिरी दिन है, तो इसमें क्या माहौल है? इसमें तो नंद भैया शायद आगे जाएंगे। नंद किशोर शर्मा जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है इनसे, जो जीतने बाद क्या कर सकते हैं? ये काम अच्छा करेंगे और जनता का सहयोग करेंगे। तो क्या समस्या है यहाँ पे क्षेत्र में? ये क्षेत्र में पानी की निकासी बहुत वैसा है। अच्छा, और की रास्ता भी है वो भी बंद रखती है, उसका भी सहयोग करेंगे और जनता सुनते भी हैं। अच्छा, मौजूदा जो रहे प्रधान, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं सर, उन्होंने कुछ किया नहीं। देखो ना, आप देखो रोड ऐसा है, उधर रोड है, कितने मकान क्या रोड ठीक करा खाली बस, और बाकी नहीं करा कोई क्षेत्र में। तो उम्मीद है कि नंद किशोर शर्मा जी आगे जीतने की उम्मीद है उन्हें, माहौल उन्हीं की तरफ है। कितने कैंडिडेट होंगे कम से कम? 18 हैं। अच्छा, ठीक। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है, मेरी मम्मी प्रधानी पद की उम्मीदवार हैं और चुनाव चिन्ह चारपाई पे हैं, प्रत्याशी हैं और थोड़ा गौटिया से चुनाव। तो जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपील करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारी मतों से विजयी होना। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी जनता के लिए, जो जो भी समस्याएं हैं, जीतने बाद क्या क्या होगा, क्या करेंगी पहले? जीतने के बाद वही चीज़ें आती हैं, जो जगह जगह रोड टूटे फूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं, नालियाँ हैं, उनका निर्माण नहीं, विकास नहीं हो पाया है, उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा। बाकी जो जनता की अपील होगी वो पूर्ण की जाएगी। ठीक, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जा रहा है, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, स्कूल विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें।